चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं है बबल। तुम्हारी नीली नीली आंखों में डूब जाने को दिल करता है। जान से प्यारी नीलो, तुम्हारी नीली नीली आंखों में डूब जाने को दिल करता है। और तुम्हारी मुस्कुराहट बिल्कुल मायरा खान जैसी। बाल, अरे अरे क्या कर रही हो मोमो? मैं आपको मुस्तकीम कर दूंगी। अरे महमूद। हाँ, मैं आपको महमूद कर दूंगी, मुस्तकीम। अरे तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए मोमो? कौन है ये गुलाबो? अरे गुलाबो नहीं, नीलो। हाँ कौन है ये नीलो? मेरी मोहब्बत। नहीं आफरीदी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, बड़े मुंह वाले बेवफा शख्स। अरे बस करो मोमो, ये मैं तुम्हारी रोज रोज की चक 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 से तंग आ गया हूँ। मैंने सोचा भी नहीं था कि आप इतने वो निकलेंगे। वो क्या हसीन? हसीन नहीं, वो जो खूबसूरत बीवी के होते हुए चक्कर चलाते हैं ना, वो दिल फेंक। हाँ वो तो मैं हूँ। हाँ तो फिर मैं भी चक्कर चलाऊंगी। किससे चलाओगी? नाम बताओ मुझे उसका, मैं उस घटिया इंसान की जान निकाल दूंगा। हाँ हाँ, मैंने सोचा नहीं था आप इतने घटिया निकलेंगे शौकत। अरे बस करो यार मोमो, कोई ऐसा पहाड़ भी नहीं टूट पड़ा। अरे खत्ती तो लिख रहा हूँ मैं। ठीक कह रहा था जमील, आप मेरी मोहब्बत के लायक ही नहीं है अनवर। महमूद। हाँ वो महमूद बेकरी वाला ना मेरी मोहब्बत के लायक था। पता है वो फ्री में ना मुझे क्रीम की वाली पेस्ट्रियां तो बिस्कुट दिया करता था। मुमताज। चुप करो महमूद, इतना अच्छा था वो महमूद। जान से प्यारी नीलो। आप इस भरी जवानी में मुझे कहां छोड़ के चले गए? अगर आप नहीं जाते ना तो आज मैं उस उड़ने वाले नाव का सर कुचल देती। मैं सर कुचल देती। यार मैं मूसा, मेरी माँ जी नहीं नजर आ रही। अरे वो यहाँ है ही नहीं तो नजर कहाँ से आएगी? वो मेरा मतलब है माँ जी सुबह से कहीं दिखाई नहीं दे रही। क्योंकि वो सुबह से अपने कमरे में बंद है। महमूद साहब, आपकी ये जुरत कि आप मेरी माँ को कमरे में बंद कर दें? मैं आपको 5-6 एपिसोड के लिए बाथरूम में बंद कर दूंगा। अरे मैंने उसे बंद नहीं किया भाई, वो खुद मुझसे झगड़ा करके लूट के बैठ गई है। क्यों, ऐसा क्या किया आपने कि वो लूट गई? कुछ भी नहीं, ऐसे जरा सा खत लिख दिया था। किसको? ये पीछे अपने साथ वाले नहीं है नीलो, उसको। महमूद साहब आपकी जुरत कैसे हुई उसको खत लिखने की? हमने ये डिसाइड किया था कि नीलो को खत मैं लिखूंगा। नबील। अरे चाची जानू, मेरा मतलब ये था कि इनकी लिखाई बड़ी गंदी है ना यार, उसको समझ नहीं आनी थी और इनके लिए मैंने खत लिखना था। वैसे गलती आपकी थी महमूद साहब, आपको इस तरह माँ जी से झगड़ना नहीं चाहिए था। बिल्कुल सही कह रही है मेरी जानू। अरे नबील, तुमने खुद ही तो मुझे समझाया था यार कि पकड़े जाने पर फौरन ऊपर से आ जाना चाहिए, अरे वरना बीवियाँ जो है वो सर पे आ जाती हैं। नबील तो मैंने ये समझाते हो? नहीं नहीं जानू, ये तो मैंने किताब में पढ़ा था कि बीवियों को काबू रखने के 101 तरीके। शट अप नबील। ओके जानू। अरे जानू मेरी बात सुनो जानू। मामा कफील के बाप, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हें देख रहा हूँ मोमो। हाय आती, इतना फ्री हो रहे हैं आप? है अरे भाई, इतने टाइम के बाद देखा है तुम्हें,
लेकिन कुछ बूढ़ी हो गई हो तुम। मुझे देखो वैसे का वैसा जवान, रू होने का फायदा। अच्छा हुआ लुकमान आप आ गए, आपको बड़ा वो कर रही थी, उस हुमायूं ने तो मुझे बड़ा दुख दिया। तुमने फिर एक शादी कर ली मोमो, वो भी हुमायूं सईद से। कितनी शादियां कर चुकी हो तुम मेरे पीछे? याद नहीं आ रहा सरताज, ये पर आप जितनी मोहब्बत मुझे कोई नहीं दे सकता। काश कि मैंने शादी ना की होती। आज कदर हुई है तुम्हें मेरी। देखो मोमो, मैं आज भी तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ। दफा करो उस बड़े मुंह वाले को। हाँ सलमान आप ठीक कह रहे हैं, वो उड़ने वाला सांप मेरे काबिल ही नहीं है। अब मैं आप ही के साथ रहूंगी। बस डन हो गया, अब हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता, हम दोनों साथ रहेंगे। बस तुम जरा अपने चेहरे की सर्जरी करवा लो ताकि जवान लग सको मेरी तरह। देखो मेरी स्किन कैसे ग्लो कर रही है ना। मैं भी बड़ी वो हूँ शराफत। वो क्या? मोटी? वो जिसे देख के बड़ा प्यार आता है ना। ओ मोटी बिल्ली? नहीं नदीम, जो आप मुझे शादी से पहले कहते थे, याद करें जरा। क्या जानू? ऐसे बड़ी क्यूट लग रही हो तुम मोमो। पता है क्या, ऊपर ना एक से एक खूबसूरत रूह है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल पाया। हाँ खूबसूरत, मैं भी तो खूबसूरत हूँ ना मान। वो तो रो रो के मेरा मेकअप उतर गया है। आप जरा जमील से मिले तो मैं ना अपना मेकअप ठीक करके आती हूँ। ठीक है? ठीक है जाओ। गुस्सा थूक दे महमूद साहब, जाए जाकर मनाए माजी को। ओ जाए ना यार, मैं मोमो को हर किस नहीं मनाऊंगा। अरे तुम रहने दो, मैंने मना लिया मोमो। रोशू अबजी 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 आप। अरे तुम सब लोग कितने बड़े बड़े लग रहे हो, मेरा दिल चाह रहा है तुम लोगों को अंकल आंटी कहकर बुलाऊं। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? दिखाई नहीं दे रहा, लगता है बालों के साथ साथ बिनाई भी चली गई है तुम्हारी। आप आएंगे? अरे अब्बा क्यों बोल रहा है यार, देखने में तो मैं भाई लग रहा हूँ ना तेरा, वो भी छोटा। क्यों महमूद अंकल? अब्बा जी पर आप इतने सालों बाद अचानक कैसे? बस मुझसे मोमो के आंसू नहीं देखे गए, इतना रो रो कर मुझे याद कर रही थी। इस बड़े मुंह वाले ने बहुत रुलाया उसे, पर अब हम दोनों ने फैसला कर लिया। कैसा फैसला? यही कि मैं और मोमो हमेशा साथ रहेंगे। अरे तो फिर मेरा क्या होगा रोशू? तेरे साथ तो मैं वो करूंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगा, मेरी मोमो को रुलाया ना तूने। नबील अरे कुछ समझाओ अपने बाप को यार। वैसे दुख तो आपने बहुत दिए हैं महमूसा माजी को। और लिखे खत गैर औरतों को? ओ जानू गैर औरत कहाँ है, साथ वाली नीलो आंटी है। ओ तो ये छिचोरपन ये बुड्ढा इस उम्र में भी कर रहा है। वैसे वो नीलो है कैसी? तुम मेरी मुमताज को मुझसे नहीं छीन सकते। नहीं छीन सकते मोमो। चलो भाई नबील, जरा कोई अच्छी सी फिल्म लगाओ यार। और बहू चलो जाकर मजे मजे के खाने बनाओ, कितना अरसा हो गया इस दुनिया के खाने चखे हुए। चलो चलो चलो। ये क्या कर दिया तुमने मोमो, ये क्या कर दिया? सुर्खी लगाई अनवर। महमूद? हाँ मैंने लिपस्टिक लगाई अनवर महमूद। मोमो तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकती। मैंने सुर्खी आपके लिए नहीं अपने लिए लगाई है। मोमो तुम्हें पता है ना मुझे ये लिपस्टिक बिल्कुल अच्छी नहीं लगती तुम पे। हाँ पर शफीक को तो अच्छी लगती है। कौन शफीक? मेरे शौहर। अरे तुम्हारा शौहर तो मैं हूँ मुमताज। आप मुमताज के शौहर होंगे, मेरे शौहर तो बस सिर्फ सलीम है, और आज से हम दोनों साथ रहेंगे। मोमो देखो मुझे माफ कर दो, हुई देखो मुझे चोटें भी लग रही है, मुझे माफ कर दो मोमो, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। अरे उस रूह को भगा दो ना यार। चुपे! खबरदार, जो उनको रूह कहा वो मेरे सरताज है। और मैं? आप सिर्फ सर दर्द है मुस्तकीम। मोमो मोमो प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे तुम कहाँ से आ गए बीच में, देखते रहे मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ। अरे खबरदार मोमो मेरी बीवी है। चलो मोमो आओ मेरे साथ। अरे अरे मोमो चलो तो। अरे सच सच बताइए यूसुफ, क्या अब मैं लग कैसी रही हूँ? अरे बहुत प्यारी मोमो, बस ये कुछ 40-50 किलो वजन अगर कम कर लो ना तो बिल्कुल महवेश हयात की कॉपी लगोगी। कसमें। तुम्हें पता है ऊपर ना मेरी भी बड़ी धूम है, हर खूबसूरत लड़की की रूह मुझसे दोस्ती करना चाहती है। वो क्यों? अरे मैं हूँ इतना हैंडसम, और पता है क्या कुछ तो कहती है कि मैं बिल्कुल एजाज असलम की कॉपी लगता हूँ। नहीं नहीं उसकी उंगलियाँ बहुत ज्यादा लंबी हैं। अरे शक्ल तो मिलती है ना। चेहरा तो मेरा भी बिल्कुल सबा कमर जैसा है वैसे। है? थोड़ा इधर हो ना। हाँ शायद थोड़ा सा। थैंक यू शबाज, बसाऊद ने कभी मेरी इतनी तारीफ नहीं की, ना कहीं घुमाने लेके गए ना कोई तोहफा दिया। अरे वो रिटायर्ड बुड्ढा तुम्हें कहाँ लेकर जाएगा,
मैं घुमाऊंगा तुम्हें सारी दुनिया, पूरी दुनिया की सैर कराऊंगा, लंदन ले जाऊंगा, पेरिस ले जाऊंगा, फिर उसके बाद न्यूयॉर्क जाएंगे, खूब मजे करेंगे। अरे कितना मजा आएगा, दिलावर तो जल के खाक हो जाएंगे। दिलावर कौन? मेरे शौहर। और कौन? सच सच बताओ मोमो, मेरे मरने के बाद कितनी शादियां की हैं तुमने? I gotta be too fabricated. Crank the volume up, but not this track is very, very taza latest. Nabeel, मैं सोच रही थी कि माजी के दिल में इस तरह अचानक अपने पहले शौहर के लिए इतनी मोहब्बत कैसे जाग गई? देख लो जानू, पहला शौहर पहला ही होता है। मुझे लगता है मेरी कदर भी तुम्हें मेरे मरने के बाद होगी। हाँ, शायद। आखिर तुम जैसा मुफ्तखोर और काम चोर शौहर कहाँ मिलेगा मुझे? खूबसूरत। मजाक कर रही हूँ यार। तुम बाकी बहुत अच्छे हो। यार आप तो अपनी एम्बुलेंस बंद करे ना यार, 500 एपिसोड में। खूबसूरत पहली बार मुझसे रोमांटिक हुई थी यार, आप बीच में कूद पड़े हैं। अपने अब्बा जी से कहो कि वो वापस चले जाए। अरे मोमो कह रही है कि अब वो उसके साथ ही रहेगी। यार कैसी बातें कर रहे हैं आप, वो मेरे अब्बा जी है यार, मैं उनको जाने के लिए कैसे कह सकता हूँ? देखो नबीर, चाहे वो तुम्हारा बाप है लेकिन बाप होने के सारे फराइज तो मैंने निभाए हैं ना। कौन से फराइज अंजाम दिए हैं आपने यार? आज तक 1000 रुपए का नोट तो रखा नहीं इस यतीम बच्चे के हाथ पर। अच्छा मेरा बाप आ गया। मत बोलो नबील कि तुम्हारी खातर अब कितने झूठ बोले हैं मैंने और कितने चक्कर दफन है इस दिल में तुम्हारे। कौन से चक्कर? कोई नहीं जानू, कोई नहीं। मैं मुंह साहब, मैं अपने बाजी से कुछ नहीं कह सकता, ये मेरी माँ जी का अपना फैसला है भाई। अरे लेकिन तुम लोग उसे कम से कम समझा तो सकते हो ना। महमूद साहब ठीक कह रहे हैं नबील, मैं माँ जी से जाकर बात करती हूँ और तुम अपने अब्बा से बात करो। अगर वो यहाँ रहेंगे तो हमें भी उनके साथ रहना पड़ेगा। मैं रूह के साथ घर में नहीं रह सकती, सॉरी। ये मत बोलो जानू, एक दिन तुम्हारे पापा जी ने भी रूह बनना है। शट अप नबील। ओके जानू। माँ जी आप क्या कर रही हैं? कंचे खेल रही हूँ। आप तो कपड़े पैक कर रही हैं। हाँ तो जब दिखाई दे रहा है तो पूछ क्यों रही है? पर आप जा कर रही हैं? मैं पेरिस जा रही हूँ शबाना। खूबसूरत माँ जी। हाँ पता है बड़ा खूबसूरत है पेरिस। जब भी तो कफील के अब्बा मुझे अपने साथ ले जा रहे। मेरा नाम खूबसूरत है माँ जी और मैं आपको नहीं जाने दूंगी। खबरदार जो मेरे रास्ते में कोई आया, मैंने उसकी वो ले लेनी है। वो क्या? वो जो बड़ी कीमती चीज होती है। अंगूठी? वो जहल अंगूठी नहीं, वो जो जो ज्यादा महंगी होती है। चेन? चेन नहीं, वो। ओफो माँ जी, महमूद साहब की जान पे बनी है और आप है कि जान? हाँ हाँ, मुझे किसी ने रोका तो मैं उसकी जान ले लूंगी। महमूद साहब बहुत रो रहे हैं, आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं माँ जी। हैं सच्ची? हाँ माँ जी। नहीं नहीं नहीं, तू जा इधर से, दफा हो जा, मुझे लंदन और पेरिस जाना है, चलो इधर से भाग जा। चलो शाबाश। मैं पानी पे लिखा गीत हूँ, आ बोल पढ़ ले तू गीत के, मैं हारा हुआ एक मीत हूँ। अरे वाह वाह, इतने सालों पहले मैं मरा था तो मानूर बलूच तब भी ऐसी थी, आज भी वैसी की वैसी। एक तुम्हारी माँ है, पराठे खा खा के हशर बिगाड़ दिया उसने अपना। और सुनाए भाजी। तुम्हें क्यों सुनाऊं, तुम तो बेटे हो मेरे। मैंने नहीं, मेरा मतलब है कुछ हाल बताएं, ऊपर के हालात कैसे हैं? अरे A1, ऊपर इतना जबरदस्त सेटअप कर लिया मैंने, तुम लोग जब आओगे ना सब कुछ तैयार मिलेगा। 2000 गज का बंगला ले लिया मैंने, जब तुम लोग आओगे ना तो सब मिलकर रहेंगे। अच्छा भाजी, लेकिन अब्बा जी ये तो बताएं खर्चा कैसे चलता है आपका? अरे वहाँ तुम्हारे अब्बा ने अपना स्किन केयर ब्रांड लॉन्च कर दिया है, सब रूहें इस्तेमाल कर रही हैं, पागल हो रही हैं। बस तेरा अब्बा नोट पे नोट छाप रहा है। रोशु अब्बा जी कुछ नोट मेरे लिए भी ले आते यार। अरे बेटा वो करेंसी यहाँ थोड़ी चलती है। तो कोई बात नहीं, मैं एक्सचेंज करवा लेता राणा रिजवान अजमत से। अच्छा दिमाग मत खराब करो, मेरा फेवरेट ड्रामा लगने वाला है इस वक्त, चलो जाओ यहाँ। कौन सा अब्बा जी? चीख। अब्बा जी चीखे तो ना, वो बेसिकली मैं ये कह रहा था कि आपने और माँ जी ने जो इकट्ठा रहने का फैसला किया ना,
महमूद साहब है ना। क्या हुआ तुम्हारे महमूद साहब को है? नहीं नहीं कुछ नहीं भाजी, बहुत अच्छा फैसला है। ये इतने बड़े मुंह वाला बाप किसको चाहिए। देखिए बाप है ना, छोटा सा स्मार्ट सा मुंह है आपका, 10-12 मुंह मिला के आपका मुंह जो है ना उनका मुंह बनता है। बात तो तू बिल्कुल सही कह रहा है। हाँ। लेकिन अपनी माँ का असर आ गया तुझ पर, चल अब निकल, मुझे ड्रामा देखने दे अपना। ठीक है भाजी, आवाज ऊंची कर ले, वरना एडिट पे करनी पड़ेगी। हाँ कर ले कर ले। अब आएगा मजा, बुरी तरह से मारा है किसी ने नोटा। ये भाई किसने ऊपर नीचे की? अरे ये क्या मोमो, अरे तुमने तो सामान भी पैक कर लिया। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा मोमो। अब आपको मेरी वो हो रही है मसूद। महमूद? हाँ अब आपको महमूद की वो हो रही है ना। मोमो प्लीज मुझे छोड़ के ना जाओ। या ये याद करो, जब आधी रात को तुम्हें भूख लगती थी तो कौन तुम्हें मजे मजे के पराठे बना के देता था? है कौन? मैं यार, मैं आपकी गलती मैं कभी माफ नहीं करूंगी मुस्तकीम। इतनी हसीन बीवी होते हुए प्राई औरतों को खत बांटते हैं आप। अरे भाई ये फसाद की जड़ ये है ना, ये लेटर। अरे मोमो ये तो मैं वैसे ही लिखता हूँ शौकिया, पढ़ पढ़ के खुश होता रहता हूँ। अरे कभी आज तक हिम्मत ही नहीं हुई उसे पकड़ाने की। अच्छा देखो तुम खुश नहीं हो ना तो ये लो, ये लो मैंने फाड़ दिया, बस अब खुश। और मैं वादा करता हूँ मोमो तुमसे, आज के बाद मैं तुम्हें रोज एक लव लेटर लिखा करूंगा। वादा? तुम्हारी कसम मोमो, तुम्हारी कसम। नहीं नहीं शफकत, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो मैंने वो दे दी है। वो क्या? अपनी जायदाद? ओ जो मुंह में होती है ना मसाऊद। दाढ़? नहीं वो जो कैंची की तरह चलती है लंबी सी। जुबान? हाँ जुबान दे दी, अब तो उनके साथ जाना पड़ेगा। नहीं मोमो तुम मुझे नहीं छोड़ सकती, बस। मैं क्या पट्टियां पढ़ा रहा है मेरी मोमो को? अब मेरी मोमो कहीं नहीं जाएगी। अबे बुड्ढे तुझे तो मैं एक उड़ा दूंगा। मार देते जालिमा। और कान खोल कर सुन लो मोमो, अब मेरी है, हम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता, और तुझे तुझे तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं। देखो तुम रू होने का ना नाजायज फायदा उठा रहे हो, मैं रू होता ना तो देख लेता तुम्हें। अबे तू जानता नहीं है मेरी पहुंच कहां तक है, 3-3 meter की तो उंगलियां मेरी यूं करूंगा ना वहां तक पहुंच जाएगी। सिर्फ एक फोन करूंगा मैं, एक फोन, रूहों की फौज अटैक कर देगी तुझ पे। मगर मैं रूह नहीं हूँ, इंसान हूँ। इंसानों की तरह लड़ो ना तो मैं तुम्हें नानी याद करवा दूंगा। अच्छा इतने बड़े मुंह से इतने बड़े बड़े दावे। ठीक है बेटा आ जाओ, अब मैं इंसानों की तरह ही लड़ता हूँ तुमसे। आ जा फिर। आ जाओ। आ जा। कुछ तो ख्याल करें यार, बुढ़ापे में अपनी हड्डियां तोड़वानी है आपने। नबील मैं शुरू करो ना जान से मार दूंगा। मैं तो पहले से ही मरा हूँ, मुझे क्या मारेगा। आप लोग ये कर क्या रहे हैं, बैठ के आराम से बात नहीं कर सकते? इस आदमी से तो मैं बात ही नहीं करना चाहता, समझा दो इसे अच्छी तरह। मैं 1 घंटे के लिए जा रहा हूँ, जब वापस आऊंगा तो मोमो को साथ लेके जाऊंगा, और अगर मेरे और मोमो के बीच में जो भी आया वो जान से जाएगा। नबील उधर चेक करो कहीं गली तो नहीं है, चला गया है ना। माजी एक बार फिर सोच लें। किस बारे में? महमूद साहब के बारे में। नहीं मैं प्राइम मर्दों के बारे में नहीं सोचती हूँ। मैं तुम्हारा शौहर हूँ मोमो। हाँ तो वो भी तो मेरे शौहर ही है। महमूद साहब मैं तो कहता हूँ माजी को जाने दें यार, हम आपकी ना फिर से शादी करा देंगे दूसरी। मुझे तुम फिर से मेरी करवाओगे वो दूसरी शादी होगी। हाँ जी। अच्छा जी तो ठीक है, जाओ मोमो जाओ। खबरदार जो आपने दूसरी वो की हो तो। माँ जी आप महमूद साहब को छोड़ेंगी तो वो दूसरी शादी तो करेंगे ना। हाँ भाई अभी तो मैं जवान हूँ, खूबसूरत हूँ। महमूद साहब ये कुछ ज्यादा हो रहा है। नहीं मसूद आप दूसरी वो नहीं करेंगे, मैं अब भी आपसे बड़ा वो करती हूँ। तो फिर रू को जाने का कह दो ना मोमो। हाँ मैं अभी जमील के अब्बा से कह रही हूँ, पहले आप मुझे 100 बारी ना सॉरी बोले। सॉरी मोमो एक बार तो ये हो गया ना, अब नरेंद्र बार ना मैं तुम्हें बाद में बोलूंगा। अभी कहे बाजी को अभी। अरे भाई कहाँ रह गए तुम सब लोग, जल्दी आओ लेट हो रहा हूँ। हाँ भाई मोमो सबको खुदाफिज बोल दिया ना।
नहीं, मुझे आपके साथ लंदन और पेरिस नहीं जाना। अरे कौन सा लंदन पेरिस, तुमने मेरे साथ ऊपर जाना है। मरने के बाद सारी दुनिया घूमेंगे, लंदन पेरिस जहाँ कहोगी। और फिर रू को तो पासपोर्ट और वीजे की भी जरूरत नहीं होती। अवश्य अवश्य। नहीं नहीं, मुझे रू नहीं बनना, मुझे रू नहीं बनना है। अरे रू नहीं बनोगी तो मेरे साथ कैसे जाओगी? मोमो कहीं नहीं जाएगी, इसने ना मुझे माफ कर दिया। अरे जब माफ ही करना था तो मुझे क्यों बुलाया? अब तो मैं साथ लेकर ही जाऊंगा। पर माजी ने इरादा बदल लिया है ना, आप जाए यहाँ से। हाँ रोशू अबाजी, अबाजी आपका ना इस एपिसोड में काम खत्म हो गया, बाबा जाए। ऐसे कैसे चला जाऊँ, मैं अब तुम्हारी माँ को साथ लेकर ही जाऊंगा। पहले मैंने सोचा था कि मोमो के मुंह पर तकिया रखकर इसे मार दूंगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये सांसें लेगी, रुक रुक के तड़प तड़प कर मरेगी, वो मुझसे देखा नहीं जाएगा। मेरी मोमो को मत मारो, मेरी मोमो को मत मारो। तो तुझे मार दूं उसके बदले? मोमो चलो तुम जहाँ भी रहो ना खुश रहो। फिर मैंने सोचा छुरियों से मार दूं, लेकिन जितना इसका रकबा फैला हुआ है तो 30-40 छुरियां तो लगनी थी। मैं इतनी अजियत नहीं दे सकता मोमो को। नहीं नहीं, थैंक यू जी। बस क्या करूं, दिल ही इतना नरम है मेरा, इसीलिए मैंने गन का इंतजाम किया। मैंने सोचा सिर्फ 3 पॉइंट्स पर गोली मारूंगा और तुम फड़क कर मर जाओगी, दिल दिमाग और फेफड़े। फिर हो जाओ तैयार। नहीं, नहीं। अरे मोमो हिलो मत, महमूद साहब को गोली लग जाएगी। मसूद, मसूद उठे, मैंने बड़ा बुरा मुंह देखा है। मसूद उठे, मसूद उठे। क्या हो गया मोमो डार्लिंग? चल यार चल, इस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल यार चल, इस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल।